ऊपर से 333-334 रुपये जब पेट्रोल हो जाए तो मतलब भाई अंदर दर्द होता है यार, दर्द होता है अंदर, यकीन कर जाए अंदर दर्द होता है। ये एक बाउल सा बना हुआ है, नज़र आ रहा है आपको वे, इसका नाम है जी वेदर रेडार। रेडार साहब सारियां गल्लां इंदी झूठियां होंदियां जे। तो अब साइकिल इस रोड के ऊपर चला करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान नूर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इमरान नूर व्लॉग्स। आज का व्लॉग जो है, आज आपको पता है संडे है, तो मैंने कहा संडे को एक फिर राइड हो जानी चाहिए, वो बड़ी ज़रूरी है। तो आज जिस रोड के ऊपर मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो मैं ख़ुद तो नहीं बताऊँगा, वो आप लोगों ने ख़ुद बताना है कि वो रोड कौन सा है। तो मेरी रानो मेरे साथ है, ये देख लीजिए। तो सोचा कि आज संडे है तो रोड सारे खाली हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हम किस रोड के ऊपर हैं। मैं आज रोड का नाम नहीं बताऊंगा, तो उसके ऊपर देखते हैं क्या सीन है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हेलो गाइज एंड बैंसिस, कैसे हैं आप, ठीक हो तुसी? आज दे व्लॉग का अंदाज़ा ला लो तुसी कि संडे है ते फुल टाइम रोड जो है वो खाली है आज। ते हुन लेफ्ट साइड पे जा रहा जनाब आपका ठोकर न्याज बेग कनाल रोड है, ये वाला, और सीधा हम कनाल को क्रॉस कर रहे हैं। ओए होए यार, ऐसे ही हो ना कभी दूसरे भी दिनों में तो मज़े आ जाए, मज़े। अगे पीछे इन्ना रश होंदा, दिल ही नहीं करता कि बंदा इन्ना रोडों के उत्ते आ जाए, उदों ही आना होंदा जो फुल टाइम मजबूरी होए, वरना दिल ही नहीं करता आने। किसी दौर में यहाँ पे एक चैनल भी हुआ करता था, आपको हिंट बता रहा हूँ, ये आ गया जनाब आपका लेफ्ट साइड पे पंजाब कार्यालय जी, ये पंजाब कार्यालय जी है आपका, ठीक है, और बिल्कुल इस तरफ जिलानी पार्क, वो सीधे हाथ पे वो जिलानी पार्क और ये पंजाब कार्यालय जी, ये इन्होंने पुल बनाया नया, और वो सामने एक फ्लैग नज़र आ रहा है आपको, वो सामने बहुत बड़ा फ्लैग है ये पाकिस्तान का। तो जिलानी पार्क इस टाइम फुल टाइम रश होना है क्योंकि लोग सैर सपाटे वास्ते आए होंगे ने, क्योंकि एक दिन ही मिलता है इन्हों घूमन फिरन लई, वरना अगे पिछे तो हर बंदा कम्मा कारां ते हुंदा है। तो जब हम क्रॉस करते हैं जिलानी पार्क को और पंजाब कड़ाले जी को, तो उसके बाद हमें मिलता है सर्विस हॉस्पिटल, ये आ गया सर्विस हॉस्पिटल लेफ्ट साइड पे, ठीक है। सर्विस हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल मेडिकल स्टोर और सब कुछ है, साथ पेट्रोल पंप भी है। ये था तो थीम तो इसका पीएसओ का है, मगर ऊपर कुछ और ही लिख दिया इन्होंने, आर वगैरह ये वो, ठीक है। आज हम जाएंगे इस रोड के ऊपर, मज़े की राइड, मतलब कि आप फुल टाइम इंजॉय करो, कोई मसला मसाइल नहीं है। जब आप सर्विस हॉस्पिटल को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आगे आपको शादमान वाला अंडरपास मिलता है, ये लेफ्ट साइड पे शादमान और राइट साइड पे चाइना चौक उस तरफ, ठीक है। इसको हमने किया क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद आज इतनी धूप भी नहीं है, आज हल्के हल्के बादल भी हैं और हल्की हल्की धूप चल रही है। मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग व्लॉग बना लें दोपहर को, शायद एक तो रोड के ऊपर रश हो जाना है और दूसरा धूप भी ज़्यादा हो सकती है। ये एक कॉलेज है राइट साइड पे, इसका नाम तो मुझे अब ऐसे याद नहीं है। तो ये एक आपको बताता चलूँ, लेफ्ट साइड पे ये एक बाउल सा बना हुआ है,
ये एक बाउल सा बना हुआ है, नजर आ रहा है आपको वे। इसका नाम है जी वेदर रिडार। हमने ना पूछा जी कि वेदर रिडार किनू कहते हैं। वेदर रिडार का मतलब यह होंगे कि यह सानू दसदा है कि बारिश कदों आनी है, तो हवावां जिहड़ियां चल रही ने वह कितनी स्पीड चल रही ने तुहाडे मुल्क च, इहदा इह काम है। हालांकि सारिया गल्लां झूठियां दसदा जे, इहदे कहण ते कदी भी बारिश नहीं जी होई। ये इछरा फिरोजपुर रोड लैफ्ट साइड को जा रहा है और हम अभी फिलहाल इसी रोड के उपर ही हैं। गल विच रहेगी साड़ी वो जरा दसदा ना भाई रिडार साहब, सारिया गल्लां इहदी झूठियां होंदियां जे। और अब जो अभी स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे सारे हैं गाड़ियों के शोरूम्स, मतलब जिन्हें गड्डी शड्डी लेनी हो ना अजेल रोड पे आ जाए, इतने हर तरह की गड्डी तुम मिल जाती, सज्जे खब्बे लेफ्ट राइट अगे पीछे सारा कुछ। तो शोरूम ने आज मैं इतवार है बंद ने, इस वास्ते कि छुट्टी छुट्टी है ना, इन्होंने भी घर टीटो पार्टियां लानी होंगे ने इस वास्ते। तो यह साड़ा एक अदारा जरा दरख्तों को पानी शानी दे रहा है, यह भी इन्हें मेहरबानी है छुट्टी वाले दिन इमानदारी काम करने वाले का पी एच ए, वरना करते कुरते कोई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रोड हमारा अब होने जा रहा है ख़त्म। तो इतना ही व्लॉग था, और एंड पे हम आपको ये चीज़ बताते चलें कि यहाँ पे ये रोड एंड हो गया। दसो है किड़ी जगह है, इस जगह का नाम दसो जल्दी जल्दी। और जब आप यहाँ पे आते हैं करतबा चौक, और करतबा चौक आके आपने अगर यहाँ के मजंग के पराठे नहीं खाए तो मेरे हिसाब से आपका जो इधर का प्लान और इधर का टूर है ना वो ज़ाया है। अगर आप इधर आते हो तो आपको कम से कम पराठा तो खा के जाना चाहिए मजंग का। ठीक है, फिलहाल मैं नाश्ता करके आया था तो हम चलते हैं आगे। मैंने मारा यू टर्न लगाने के बाद आपका भाई वहाँ पे एक छोटा सा लिंक देगा एक्स्ट्रो का, और उसके बाद आपका भाई जाएगा सीधा अपने रूम में, क्योंकि बस व्लॉग इतना ही है भाई। तो फाइनली गाइस, कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग? उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। और आपने कमेंट में इस रोड का नाम बताना है भाई, ये आपके लिए एक चैलेंज है, आपने इस रोड का नाम बताना है। ठीक है, जो लोग नए हैं जो पुराने हैं उनको तो पता है ये रोड कौन सा है, और इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। और इतवार वाले दिन अगर आपका दिल करे ना कि पराठा खाना है तो आप लोगों ने मजंग ज़रूर आना है, मतलब मजंग आके पराठा खा के फिर जाना है, फिर मज़ा है। दुआओं में याद रखिएगा, और जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहले से हैं वो लाइक तो बनता है ना यार। एक आपके लिए सुबह उठ के यहाँ पे आना, आपको राइड दिखाना और इन्फॉर्मेशन भी देना, ये मतलब टाइम लगता है यार। ऊपर से 333-334 रुपये जब पेट्रोल हो जाए तो मतलब भाई अंदर दर्द होता है यार, दर्द होता है अंदर, यकीन कर जाए अंदर दर्द होता है।